लॉकडाउन के बाद सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है। जहां खाने पीने की किल्लत हो रही है, कारोबार डाउन हो गए हैं, वहां थैलेसीमिया के मरीजों को भी बड़ी तकलीफ हो गई है, क्योंकि उन बच्चों को, उन नौजवानों को खून नहीं मिल रहा जिन्हें हर 15 दिन बाद खून की जरूरत होती है। किबला शेख तरीकत मानिए दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक शानदार ऐलान मदनी चैनल पर किया कि पाकिस्तान भर में दावत इस्लामी वाले आगे बढ़ें और इन दुखियारे मुसलमानों की मदद करते हुए अपना खून इन्हें अतिया दें। तो आप सब पाकिस्तान में अगर कहीं भी हैं, करीबी अपने शहर में आशिकाने रसूल के किसी भी इदारे में जाकर अपना ब्लड दीजिए और इन थैलीसीमिया के मरीजों की मदद कीजिए। याद रहे, खून देते वक्त एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और अगर आप कराची में रहते हैं तो एक अच्छी खबर यह है कि दावत इस्लामी ने अपना एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर लिया है, अपना एक शोबा बना लिया है जहां पर आकर आप खून दे सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आप देख रहे होंगे, इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए, अपना पहले टाइम बुक कर लीजिए और उसी वक्त पर आकर अपना खून अता कीजिए। याद रहे, ये मुसलमानों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि मुसलमान आपस में एक इमारत की मानिंद हैं, जैसे इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूत करता है। एक और हदीस पाक का मजमून है, जिसने किसी मुसलमान की हाजत रवाई की उसने उम्र भर की गोया इबादत की। वक्त आया है दुखियारे मुसलमानों की मदद करने का, आगे बढ़िए और अपने ब्लड के जरिए मरीजों की मदद कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।